the amazing faces and voices of Shraddha. Hi, Shraddha. 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 Shraddha, give it up for our lovely long earrings. Hello, Farhan. Make some noise for Farhan. This actually happened to his. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Sir, very, very good. All the musicians are here. They're wearing their really like cool jackets. And a little surprise. आपके साथ यहाँ पर होने वाले हैं परफॉर्मिंग विद देयर गिटार्स एंड देयर गियर्स एंड देयर अमेजिंग वॉइसेस एहसान एंड लॉय. सर, कैन आई प्लीज हैव यू ऑन स्टेज? बहुत बढ़िया. दिस इज टोटली इम्प्रॉम्प्टू गाइस. वो लोग ने आके बोला कि ऋषि ये करना है, रॉक कर देना है. सो आई थिंक दे आर गोना बी डूइंग दिस. दे आर ऑल गियर्ड अप. सब टेस्ट वेस्ट कर लिया. आई एम गोना लीव द स्टेज फॉर अ फ्यू मिनट. चेक चेक. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. Thank you. Hi, everyone. Good evening, guys. Why so quiet? I think उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी एंड यू हैव टू टेल अस whether we've met with that expectation. But एक sequel है of a very special film for us which won a national award. So I think that's what it is. But we've also stayed true to the film. The characters in the film have aged 8 years. वो 2008 था, this is 2016. इनको देख के नहीं लगता है. He is growing younger by the day. I said characters. Okay. हाँ. So the characters and it's a emotional drama. I don't want to say much about it, but you can see the trailer and then see the film. हमारा एक चीज होती है to live up to the first one. Second, ये भी एक जरूरी चीज है कि जो फिल्म अब बन रही है वो एक cohesive story हो. जी. उसमें जो substance हो वो भी उतना ही अच्छा हो, sensible हो. जी. उसमें उतने ही emotions हो जैसे पहले वाले में थे, उतना ही drama हो जितने पहले वाले में था. तो ये सारी चीजें हैं. मैं एक बात actually कहना चाहूँगा क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और वो रॉक ऑन वन के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को फिल्मों का म्यूजिक याद है. तो दे रिमेंबर द सॉन्ग्स विच वर हैप्पी सॉन्ग्स फॉर मोस्ट ऑफ इट. वेरी गुड. करेक्ट. तो सारे वो उन्हें याद है. वो भूल जाते हैं कभी कभी कि उस फिल्म में काफ़ी सारा ड्रामा भी था. बहुत ज़्यादा. हाँ, बहुत इमोशनल लेयर्स थे सारे कैरेक्टर्स के. सब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में टू इवेंचुअली कम टू अ हैप्पी प्लेस. तो वी ट्राई टू रिपीट ऑन सम लेवल द सिमिलर एक्सपीरियंस. ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि कहानी नहीं हो क्योंकि अगर हम वही फिल्म बनाए तो आप वही फिल्म देख लीजिए फिर दोबारा इतने काम करने की जरूरत है क्या. So we made a new film with the same characters, but hopefully we've tried to achieve the same emotional depth. Yes. And the same layers like we had in the first one. She and her pretty smile have just entered the stage. Purab is here. Shashank is also here. Shashank, big shout out to Shashank. What's up? There they are. There they are. There they are. Hello, hello, hello. ये हमेशा हर जो भी ऐसे Q&A सेशन होता है ना उसके पहले थोड़ा सा ये प्लेइंग द चेयर्स होता है थोड़ा सा कि आप यहाँ बैठ जाओगे तो वहाँ बैठ जाएंगे. ओके, सो वी आर गुड टू गो. वी आर गोना बी थ्रोइंग सम क्वेश्चंस टू द मीडिया. जिनको जिनको पूछना है हाथ ऊपर करें और माइक आप तक पहुँच जाएगा. इट्स अ मैजिकल माइक. इट ट्रैवल्स लाइक इन टाइम एंड स्टफ. सो दैट हैपेंस. वेल, मतलब हर फिल्म की और हर इंसान की अपनी जर्नी होती है लाइफ में. तो वो हमारे दोस्त हैं तो ऑफकोर्स मिस तो करेंगे उन्हें. मगर अभी कुछ सिचुएशन ऐसा था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें एक दूसरे डायरेक्टर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, आपने उनका काम आज देखा है स्क्रीन पर, शुजात, जो अनफॉर्चुनेटली आज शाम हमारे साथ यहाँ आ नहीं सकते थे, उन्हें कुछ काम था, फिल्म को लेकर ही वो बिजी हैं. तो इस वक्त लेट्स सेलिब्रेट हिज वर्क
I think that's more important. He has worked very hard to make this film. So we should discuss Shujaat on this film tonight. Ji, aap log ne mujhe ko lost and found ka counter samajh liya hai. Anyone else is missing that you want to ask me about? Daha vajun sa mulga. Nahin. Arjun is in Lisbon. There is some issue that is there in his family vis-a-vis somebody's health. So he has taken them to Lisbon for treatment. So he'll be back, I think, in another couple of days, and then he'll be joining us. Okay, firstly, I think your perception of what this film is about, I think, is pretty accurate, which I'm very glad to. So if you want to join our PR and marketing team, you can contact those people right over there. But it is an ongoing story. Ye jo kahani hai, wo jahan 8 saal pehle humne chhodi thi, 8 saal ke baad hi humne, we've picked up the threads. To sare jo characters hain, they moved on in their life. Aur har jo band hota hai ya jo musicians hote hain, unki zindagi mein aisa waqt aata hai jab wo ek saath roz nahi khelte hain ya they're not performing or creating new music, that they need some inspiration to come into their lives, to rediscover that passion for music and that love for what they had. And that comes in the form of these two very, very talented musicians in the film, played by Shraddha and played by Shashank. And that really is, as you saw, there are many other layers as well. Inka kuch personal aapne dekha, father ke saath chal raha hai. Hamara bhi kuch ek village mein kuch chal raha hai, aag waag lagi hui hai. To sare bahut aise problems hain. Ye complain karte rehta hai ke music ke liye doston ke paas kabhi waqt hota hai nahi. Arjun apne life mein busy hai, reality show judge kar raha hai. To ye sari cheeze hain, sab apne apne life mein busy ho gaye hain. To kis tarah se wo ek baar phir उन्हें ये एहसास होता है कि म्यूज़िक जो है वही एक चीज़ है जो इनकी दोस्ती को, इनके प्यार को, इनके रिश्ते को बरकरार रख सकती है. तो इसी तरह से एक थिंग है, मगर जो इंस्पिरेशन उन्हें मिलता है वो इन नए टैलेंट के ज़रिए उन्हें मिलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय एवरीवन, एंड होप यू गाइज एंजॉयड आवर लिटिल परफॉर्मेंस फॉर यू ऑल. आई हैड अ ब्लास्ट ऑन स्टेज द फर्स्ट टाइम दैट आई वेंट. इट वॉज इन मुंबई ओनली. And it was a lot of fun. A lot of people say that, a lot of musicians who I've spoken to say there's nothing like performing live on stage. And I think you only truly know what it feels like when you are doing it. Jab aap khud perform kar rahe ho. So definitely, abhi ye jo singing ka aspect hai, explore kar rahi hu. And bahut maza aa raha hai usko explore karte hue. And bahut grateful hu that through Rock On 2, Ritesh and Farhan have given me, and Shujaat, hamari director jo hai, they unhe laga ki main perfect fit thi as Jia Sharma. So I feel like this is an opportunity. Bahut rarely actors ko aisa mauka milta hai where aap ek musical mein khud apne gaane gaye. So I feel really, really fortunate. Hi. It was very challenging. I think every part is challenging, and especially with a film like Rock On, which already has so much love from people. As an actor, you have a lot of pressure, but you go in there and you try to have fun, and I'm very blessed to be a part of this project, and everyone here has welcomed me like a family, and it's been a beautiful experience. It was tough. It's been a tough film to make for me as well, and I put tried to put my effort into it, but it's a dream. So dekhte hain, hopefully people will think it lives up to all these expectations. I don't know. I did my job, and I hope I did it well enough. Definitely, jo Shashank ne kaha, absolutely true. Challenging. I think ki ek privilege hai actually ki magic mein hume hissa mila. We got to be band members in magic. Definitely, it's a dream come true in many, many, many ways. Because jab pehli Rock On aayi thi. So I remember ki wo, that was one of my all-time favorite films and still is. And agar uska sequel ban raha tha, to I can't imagine ki kitne log ye dream they would be dreaming that, you know, ki we wish we were in Rock On 2. And I think that main aur Shashank, we are in Rock On 2. So it is definitely a dream come true for us. Yeah, bahut difficult tha, definitely. I feel actually. To be a part of this film has been very challenging, lekin bahut hi special bhi raha hai ye journey. I feel jo pehle galiyan ho ya bezuma phir se ho, definitely this is a new genre, and training li maine from Samantha Edwards, jo ek bahut hi behtareen vocal teacher hai. But I feel
आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रॉक म्यूजिक, तो मैं बहुत खुश थी कि आई गेट टू सिंग माई ओन सॉन्ग्स इन रॉक ऑन टू. उम्मीद है कि ये भी फिल्म को उतना प्यार मिलेगा जितना रॉक ऑन टू के म्यूजिक को मिला, के फिल्म को मिला, रॉक ऑन के फिल्म को. फर्स्ट के ऊपर एक जागो. हाँ नहीं, वो मुंबई पे बेस्ड नहीं है. Okay. वो मुंबई में मतलब फिल्म किया है हमने, लेकिन वो वीमेन्स राइट्स के बारे में है. एंड इट्स अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर वीमेन स्टैंडिंग अप फॉर देयर राइट्स एंड क्रिएटिंग एन इक्वल वर्ल्ड आल्सो फॉर देमसेल्व्स. सो दैट्स व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट. फरहान, जिस तरह से रॉक ऑन की सफलता हुई थी और उस लेवल पे गई थी, उस समय के जो युवा दर्शक थे वो उस फिल्म को काफ़ी पसंद किए, तो जो आज का माहौल बदला है इस फिल्म को लेकर और उस फिल्म को टैली करते हैं, तो किस लेवल पे देखते हैं इस फिल्म को? यार ये मैं आपको कैसे बताऊँ, ये बहुत मुश्किल होगा. हमारी तरफ से मतलब कोशिश तो पूरी रही है कि हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाएँ, एक एंगेजिंग फिल्म बनाएँ, एक फिल्म ऐसी बनाएं जहां आप जाएंगे आपको मज़ा भी आएगा और कुछ ड्रामा भी होगा उसमें. तो ये सारी चीज़ें मतलब हमने अटेम्प्ट तो की हैं. अब किस तरह से लोग इसे पसंद करेंगे, क्या क्या होगा, ये तो फिल्म रिलीज़ होने के बाद आप ही मुझे बताइए. इंटेंशन जो है वो बिल्कुल मतलब यही है कि हम आपको उसी तरह का एक एक्सपीरियंस दोबारा दें. बट नाउ यू टेल मी आफ्टर यू सी द फिल्म हाउ यू फील. ओके, आई एम जोकिंग. साक्षी, आई थिंक मेरे लिए मेरा डेब्यू था इस फिल्म से, सो बहुत ही स्पेशल रोल है. इट्स अमेजिंग बिकॉज पीपल स्टिल रिमेंबर मी फॉर दैट. एंड कमिंग बैक टू दिस टीम, आई जस्ट थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस टू रिमेंबर फॉर एवर. इस बार आई थिंक हम सब के लिए चेंज ये था कि ये जो कैरेक्टर्स हैं हर एक अपनी लाइफ में बहुत इवॉल्व हो चुके हैं. और अगर हम पर्सनली देखें तो वीव रियली कम अ लॉन्ग वे इन लाइफ इज़ वेल, इवन पर्सनली. सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ रियली ट्रांसलेटेड वेल इन टू द रोल्स. एंड माई कैरेक्टर, आई थिंक यू रिमेंबर हर एज अ साउथ बॉम्बे गर्ल हु वॉज आई थिंक इन अ यू नो काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो ये ढूंढना चाह रही थी कि उसकी अनहैप्पीनेस का रीज़न क्या है. एंड देन आई थिंक यू नो ऑल ऑफ मैजिक हैपेंड अगेन एंड दे रीयूनाइटेड. इस बार आई थिंक हर एक किरदार एक इंटरनल बैटल फाइट कर रहा है. सो साक्षी हैज़ डेफिनेटली कम आउट स्ट्रॉन्गर. आई लव द न्यू लुक दे हैव गिवन मी. एंड या यू गोना व्हेन यू वॉच द फिल्म यू विल सी अ मच मोर स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर. फरहान, प्रभात फ्रॉम चैनल वन. फरहान, ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब रियल लाइफ में भी आप क्रिएटिव पर्सन हैं, रियल लाइफ में भी हैं. 15 साल पहले आपने दिल चाहता है बनाई थी, तो एज अ क्रिएटिव पर्सन सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या किया आपने और सबसे बड़ा रिवार्ड क्या मिला आपको पिछले 15 सालों में? एक्चुअली मैं सच कहूँगा, जब आप कोई भी चीज़ करें जो आपको पसंद है, कोई भी चीज़ करें जिसमें आपका दिल बिल्कुल है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, तो उसमें आप कभी सेक्रीफाइस के बारे में सोचते हैं नहीं. वो चीज़ें मतलब इतनी ज़रूरी होती हैं या इतना आपको एक खुशी मिलती है उन्हें करने में कि आप ये नहीं सोचते कि मैं मतलब कुछ भी इसके लिए त्याग रहा हूँ. तो वो तो कभी नहीं हुआ है. और जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला है शायद वो यही है कि जो ऑडियंस से सपोर्ट मिला है और प्यार मिला है, वो बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि हम उन्हीं के लिए फिल्में बनाते हैं. तो अगर वो पिछले 15 सालों से हमारी फिल्में देख रहे हैं, हमारा काम उन्हें पसंद आ रहा है, तो एज एन आर्टिस्ट यू कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर. सो आई थिंक दैट्स रियली द ओनली रिवॉर्ड दैट देयर इज. हाय फरहान, I'm Shiv from Movie Talkies. I would like to ask you that you are an actor, singer and a director, and you have been doing all of them equally good, which is appreciable. I would like please take him also in the PR and marketing team. Your last directorial movie was in 2011, Dawn 2. When exactly your audience can see you as a director back? Anytime soon? Yeah, you know, I get very scared to say any time frame or anything, because then it becomes a sword hanging over my head. So I don't have an answer for you right now, to be honest. Is it something that I will do again? Yes, I will. It's because it is something that gives me immense joy to do. But there will be a time for it when I'll feel completely pepped up to go ahead and do it again. But I can't say to you that I know for a fact when that's going to happen. So it's better that I say nothing at all on that front then. Shraddha, I have a similar question for you on your right. Shraddha on your right. Yeah. Hello. So you act well, you sing well, you dance well. So what next are you going to discover? So sweet you are. Thank you. What next? La 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 la.
Anything else you want to I mean, you know, honestly, I've been going with the flow, and I just feel like everything that I used to do when I was a kid, like I was like 4, 5, 6 years old. I used to मैं मिरर के सामने डांस करती थी, टेढ़े मेढ़े फेसेस बनाती थी. अगर मैं अभी बनाऊंगी तो आप फेंट हो जाओगे. देन इट वॉज एन ऑब्सेशन एट दैट पॉइंट. एंड सो इट्स अ चाइल्डहुड ड्रीम दैट हैज़ कम ट्रू दैट आई एम सिंगिंग एंड आई एम एक्टिंग एंड आई एम बींग अ पार्ट ऑफ फिल्म. सो या आई जस्ट आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे अच्छी फिल्में मिल रही हैं to play such lovely characters, and I just hope that that continues. That's all. Yeah. Yeah, of course. I mean, we will go to city tours and promote the movie. We have a lineup of certain cities where they'll be performing live, and it'll go on like how we go do it usually. I mean, I don't know what is out of the way. I think you need to create a certain eagerness for your film, and I think we are managing to do that. The music is growing, people are enjoying it. So I think a lot of people are writing to us on Facebook and all the on other social platforms that they want to see Adi and Jia come and perform. So that's what we are going to do. But I don't think, there's any thought that you have to, I think like I said earlier, like you do something where you create a kind of a desire and eagerness to watch it. I think on a film like this, which is about a rock band, you need to perform live and give them that experience. I think challenges, I mean, there on every film has a different challenge. It has its own sets, but particularly on Rock On, like I said earlier, it is a sequel to a very, very special film. And also, like we've mentioned earlier, that we've stayed true to what it needs to be. So you see, the characters have evolved, they've grown. There are different conflicts in it. Each conflict of each character has its own individual payoff. And like the trailer says, you know, that we've given magic as a platform which was created in Rock On 1. Now that platform has been used by a new generation to say something new. So I think we've stayed true. You need to watch the film for knowing more about it. Right. Also, brilliant announcement on Twitter a couple of days back in the form of Gold. What inspired you to sign Akshay Kumar for the film? Okay, I think this platform right now is for Rock On. I'm glad you liked it. We'll talk about that film. It's very far away. Akshay Kumar, I mean, if you talk about him, he's a great actor who's doing some amazing work. Farhan and me have never worked with him. And we found an opportunity in this script to get him on because Reema wanted him. And it's happened, so we are looking forward to it. Also, one final question from me, and I hope you will answer this frankly. Happy that roadblocks for Race have been cleared? Very happy. And will you continue? That was your last question. No, one second. I would like to ask Purab a question. Purab, do you miss that shaggy hairstyle of yours and that little beard? Tell us about it. How have the last 8 years been without it? Terribly. मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी तारीफ कर रही है मेरी मतलब क्या कर क्या रही हैं आप? नहीं नहीं. मैं actually एक काम करूं क्योंकि आप बहुत लोग confused हो जाते हैं क्योंकि मैंने direct किया है और मैं acting करता हूं तो ये सवाल मुझसे हमेशा पूछा जाता है. But I think this question should be only for the actors if they interfere or they have creative inputs in a film, or do they just come and they act without any suggestions or anything? Please answer. मुझे क्यों ऐसे फूलों की बरसात हो रही है यहाँ पे नहीं. So interference, I think an actor doesn't interfere. You try together to work and create something together. तो वो उसे मैं interference नहीं कहलाऊँगा. अगर आप बोलते हो कि शायद ये ऐसा थोड़ा बेहतर बिल्कुल एक सेकंड जिया कुछ कहना चाहती है तो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कोलैबोरेशन. आई थिंक कोलैबोरेशन इज द राइट वर्क. टीम वर्क जो है आई थिंक दैट्स व्हाट हम सब ने किया है. आई थिंक उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता. तो इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक फरहान जी ने किया होगा. प्लीज सर आप बताइए. नहीं जैसे जब हम यहाँ आए थे या जब हम आपसे मिलते हैं फोटो लेने के लिए आप कहते हैं पीछे हो जाइए. तो वो इंटरफेरेंस थी ना वो कोलैबोरेशन हो गया. तो ऐसा ही है. तो जब हम लोग काम कर रहे हैं तो कभी डायरेक्टर कहते हैं मैं थोड़ा पीछे हो जाऊं. इट्स लाइक यू आर आस्किंग मी व्हिच इज माय फेवरेट फिंगर. आई कांट चूज. सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द सेम हैंड व्हिच इज माय हैंड. सो बहुत इतना मुमकिन है. हर फिल्म जो है एक्चुअली इतना आप खुद का टाइम देते हो आपका
आपके इमोशंस देते हो. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से. आई कॉन्ट एवर से दैट. हर फिल्म जो मैंने की है वो बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए. इनफैक्ट हर फिल्म मेरे लिए एक डेब्यू की तरह रही है फॉर वेरियस रीजंस. हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने को मिल रहा है, नया करने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली ईच फिल्म इज़ रियली 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 स्पेशल टू मी. एंड वो फॉरएवर हो जाता है. सो इट्स देयर फॉरएवर एंड एवर. कैसेट्स में होते थे, अब डीवीडीज़ में हैं, तो इट लिव फॉरएवर. सो ईच फिल्म इज़ स्पेशल.